और टुडेज टॉपिक इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसका मतलब भारत और स्थिति वर्ल्ड के मैप में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इंडिया हाउस की लोकेशन क्या है, कहाँ लोकेट करता है। इसको जानने के लिए हमें लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेना पड़ेगा। जो लेटी हुई रेखाएं आपने ग्लोब में कभी ऑब्जर्व की हो, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। और जो लंबी लंबी रेखाएं ऊपर से नीचे जो नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर को मिलाती हैं, वो क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले इधर लैटिट्यूड एक्सटेंड की, इधर हम इंडिया के इस वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं, तो 67°7' दिस साइन शोज डिग्री और दिस साइन शोज मिनट। इन ईस्ट 77°1/2" इन नॉर्थ 37°6" नॉर्थ, और इन साउथ 88°4' नॉर्थ। यहाँ भी मैंने नॉर्थ राइट किया, यहाँ भी मैंने नॉर्थ राइट किया। क्या ये तो हमारा इंडिया था, अगर मैं ठीक ठीक में लाइन लगाऊं तो ऊपर वाला पार्ट होगा नॉर्थ और नीचे वाला होगा साउथ, जबकि मैंने यहाँ भी नॉर्थ मेंशन किया है। दिमाग में सवाल नहीं आया ऐसा क्यों? हम यहाँ केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। देयर आर थ्री मेन इमेजिनरी लाइंस ऑन आवर अर्थ। This is a equator. This is a tropic of a Cancer and this is tropic of a Capricorn. अगर जो equator है उसने पूरे world को, पूरी earth को दो hemisphere में divide कर दिया, तो हमारा जो India है उसकी location लगभग यहाँ है। हम चाहे उसके इस point की बात कर ले या इसकी point कर ले, दोनों में ही हमें north direction show करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये है। उसके बाद हम हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उस पे चलते हैं। इधर पाकिस्तान, ये चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और इधर श्रीलंका। अब नेबरिंग कंट्रीज के बाद हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास जो सीज हैं वो सीज कौन कौन से हैं। इधर है अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल। कई बार छोटे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं बे ऑफ बंगाल पता नहीं इधर है या इधर है। जब आपने अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट सीखी तो उसमें फर्स्ट वर्ड आपने क्या लिखा था, ए, और सेकंड क्या लिखा था, बी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप इधर से शुरुआत करके अरेबियन सी और इधर आएंगे तो क्या होगा, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद हम इंडिया की नॉर्थ से साउथ तक टोटल लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट ये आपकी 2933 किलोमीटर। अब हमारा जो मैप है इंडिया का, उसमें जो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या सिग्निफिकेंस है, जो इनको मेजर किया गया, जो लैटिट्यूड है ये वाली रेखाएं और जो लॉन्गिट्यूड है जो ऊपर से नीचे है, इनका अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखिए जितनी भी फ्लाइट्स का ट्रेन का टाइमिंग है वो सेट किया जाता है इनसे, और इंडिया का सेट टाइम सेट किया जाता है 82°30' जो लॉन्गिट्यूड है उससे, और यहाँ इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं। अब मैं इधर गुजरात की बात करूँ और इधर अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, दोनों में जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर का है। 2 आवर का क्यों है, क्योंकि अगर हम दोनों की बात करें तो यहाँ लगभग 30° डिस्टेंस है और 1° पे जो टाइम होता है वो 4 मिनट होता है, तो 30° पे हम टाइम इवेल्युएट करें तो कितने मिनट्स हो गए, 120 मिनट्स में कितने आवर होते हैं, 2 आवर होते हैं। तो इससे हम शो कर सकते हैं कि जो 2 घंटे का डिफरेंस है वो किस वजह से है। उसके बाद हम पूरे इंडिया का जो मैप है उससे हमने अनुमान लगाया कि हम कहाँ लोकेट करते हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं, लैटिट्यूड एक्सटेंड क्या है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड क्या है, बे ऑफ बंगाल किधर है, अरेबियन सी किधर है और ये इंडियन ओशियन किधर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और थोड़ा सा जो हमारी जियोग्राफिकल कंडीशन है उस पर विचार करेंगे। थैंक यू सो मच।